तो देखो यार, फ्री फायर का हर एक प्लेयर अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहता है, एंड आप भी यही चाहते होंगे। नहीं। तो इसी को लेके आप बहुत कुछ ट्राई करते होंगे। नहीं। कभी तो आप टू फिंगर में खेलते होंगे, कभी थ्री और कभी फोर, बट उसके बावजूद भी आप अपने गेम प्ले को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे होंगे, एंड आपको यही लगता होगा कि भाई जो बंदा ज्यादा फिंगर से खेल रहा है वो ज्यादा बढ़िया खेलता होगा। नहीं। एंड वो दो फिंगर वाले को बहुत आसानी से मार देगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर गाइस आपके भी यही डाउट्स है कि भाई आपको टू थ्री या फिर फोर फिंगर किस में खेलना चाहिए, तो गाइस ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो नीचे यार एक लाइक का बटन होगा, दबा दो अभी से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप सबसे पहले टू थ्री और फोर फिंगर का गेम प्ले देखो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनमें से कौन सा कस्टम एचयूडी ट्राई करना चाहिए, आपको किस में खेलना चाहिए, ठीक है। तो गाइज आपने इनका गेम प्ले देखा तो आपके दिमाग में, आपके मन में क्या बात आई? आपको ये लगा होगा कि भाई मेरे को थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यार आपको इनका गेम प्ले बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा होगा दो फिंगर के मुकाबले। इनकी जो मूवमेंट स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट है, एंड इनके वन टैप वगैरह बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। आपके दिमाग में भी यही बात आ रही होगी कि भाई मैं भी इनकी तरह ही बनूंगा, मैं भी थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर में शिफ्ट हो जाऊंगा। बट क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी है? जो हमारा टू फिंगर प्लेयर है वो फुल मैप खेल रहा है, एंड फुल मैप के अंदर वो तीन चार बंदों को आराम से मार दे रहा है एक एक स्क्वाड को। बट ये जो हमारे थ्री और फोर फिंगर प्लेयर है ये सिर्फ कस्टम खेल रहे हैं। अगर ये फुल मैप खेलते हैं तो वहां पर ये सिर्फ एक ही बंदे को मार पाते हैं, जबकि जो हमारा टू फिंगर प्लेयर था वो पूरी स्क्वाड को उड़ा देता है, वो भी अच्छे बंदों को, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? अगर गाइस आपको एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है या फिर आप फुल मैप ज्यादा खेलते हो तो आप टू फिंगर में ही रह सकते हो, आपको थ्री या फिर फोर फिंगर में शिफ्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ना नोबरू को ही देख लो यार, जो हमारा वर्ल्ड का बेस्ट ई स्पोर्ट प्लेयर माना जाता है, वो भी टू फिंगर में ही खेलता है, ठीक है। बट हाँ, आप अपने कस्टम एचयूडी में छोटा सा चेंज कर सकते हो। अभी आप टू फिंगर से खेल रहे हो तो भाई थोड़ा सा थ्री फिंगर पे भी शिफ्ट हो जाओ, मतलब कि यार आप ना ऊपर क्विक वेपन स्विच बटन या फिर लेफ्ट फायर बटन किसी को भी रख लो, जिससे कि आप उसको तीसरी उंगली से यूज कर पाओ। अगर आप इन बटन्स का तीसरी उंगली से यूज करते हो तो आपको इनका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अभी जान लेते हैं कि थ्री फिंगर और फोर फिंगर में किन प्लेयर को शिफ्ट होना चाहिए। तो देखो यार, अगर आप एक कस्टम प्लेयर हो, आप कस्टम ज्यादा खेलते हो, फुल मैप बहुत कम खेलते हो, तो गाइस आपको थ्री फिंगर और फोर फिंगर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर गाइस आप चाहते हो कि आप सबसे अलग लगो, आपका गेम प्ले सबसे अलग हो, तो गाइस आपको फोर फिंगर में शिफ्ट होना चाहिए। अगर आप फोर फिंगर के अंदर अपने आपको कंफर्टेबल महसूस करते हो तो आप उसमें खेल सकते हो, आपकी स्पीड भी सबसे अलग होगी, मूवमेंट भी एकदम सबसे अलग होगी। बट अगर आप फोर फिंगर में अपने आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हो तो आपको थ्री फिंगर में तो डेफिनेटली शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे हिसाब से थ्री फिंगर
फिंगर कस्टम एचयूडी सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस आपको डेफिनेटली 3 फिंगर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और यार बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई आप 4 फिंगर में क्यों नहीं खेल रहे हो, तो देखो यार एक तो यार सपोर्ट नहीं मिलता और दूसरा यार मेरे को फुल मैप भी खेलना पड़ता है। अगर मैं सपोर्ट मिलता तो भाई मैं डेफिनेटली उसमें खेलता, बट नहीं मिल रहा है तो भाई मेरा जैसे पहले गेम प्ले था मैं वैसा ही रखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई 4 फिंगर में शिफ्ट होने के लिए मेरे को दिन रात खेलना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट फिर भी कोई सपोर्ट नहीं है तो क्या फायदा है ना। तो यार बस यही था वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लेना और वीडियो को यार शेयर करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। Thank you.